साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय दत्त अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं और उनका स्टारडम आज भी बरकरार है। 63 साल के संजय दत्त को आज भी फैंस बहुत प्यार करते हैं। शमशेरा फिल्म भले ही फ्लॉप हो चुकी है मगर इस फिल्म में संजय दत्त के काम को काफी तारीफ मिली है। मगर अब खुद संजय दत्त को लगता है कि हिंदी फिल्मों का वक्त खत्म हो चुका है। शमशेरा के फ्लॉप होने पर संजय दत्त निराश भी हैं और हैरान भी। साथ ही साथ संजय दत्त ने बॉलीवुड को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। संजय दत्त ने तो ये तक कह दिया कि जो जहां है जितना कमा चुका है उसी में खुश रहे और हिंदी फिल्मों को बनाना बंद कर दे, क्योंकि अगर दर्शकों ने शमशेरा को नकार दिया तो कुछ भी पर्दे पर नहीं चल पाएगा। तो क्या वाकई में बॉलीवुड की हालत इतनी ज्यादा खराब है? आखिर क्यों संजय दत्त को कहना पड़ा कि बॉलीवुड फिल्में बनाना ही बंद कर दे? तो इसकी पूरी वजह और संजय दत्त की निराशा की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और संजय दत्त ने बॉलीवुड को लेकर जो कुछ भी कहा है उस पर अपनी राय जरूर दें। तो संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में अच्छे से अच्छा वक्त भी देखा है और बुरे से बुरा दौर भी झेला है। अनगिनत अफेयर, 3-3 शादियां, ड्रग्स, हथियार, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, जेल, कोर्ट, कचहरी और कैंसर से लेकर वो तमाम दौर से संजय दत्त गुजर चुके हैं जिसकी कल्पना मात्र से ही आम इंसान को डर लग जाए। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त ने एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में भी दी है। सड़क, वास्तव और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्में संजय दत्त के करियर के लिए काफी अहम साबित हुई। फिलहाल तो संजय दत्त को शमशेरा से काफी उम्मीदें थी क्योंकि शमशेरा के लिए संजू बाबा ने जी तोड़ मेहनत की थी और संजय दत्त की माने तो फिल्म बनी भी बेहद शानदार है, मगर फिर भी दर्शकों ने शमशेरा को बुरी तरह नकार दिया। शमशेरा बॉलीवुड की एक और डिजास्टर साबित हो गई। भले ही फिल्म को लीड रणबीर कपूर ने किया मगर शमशेरा में संजय दत्त का रोल रणबीर कपूर पर पूरी तरह हावी नजर आया। बिग बजट की फिल्म का बुरी तरह फ्लॉप होना वाकई में बेहद तकलीफ देह होता है और प्रोड्यूसर्स को कई बार सड़क पर भी ले आता है। आलम तो ये है कि बड़े बजट की ये फिल्म अपनी लागत की कमाई भी निकालने के लिए बॉक्स ऑफिस पर तरसती नजर आ रही है। ऐसे में फिल्म शमशेरा के फ्लॉप होने पर संजय दत्त का दर्द बुरी तरह छलक आया। संजय दत्त ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के फ्लॉप होने पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। उन्होंने फिल्म को मेहनत का प्यार बताया जिसे खून, पसीना और आंसू से बनाया गया है। संजय दत्त ने अपनी पोस्ट में लिखा, शमशेरा से बहुत से लोग नफरत कर रहे हैं। कुछ नफरत ऐसे लोगों से भी आई है जिन्होंने फिल्म को अभी तक देखा भी नहीं है। मुझे ये भयानक लगता है कि लोग हमारे तरफ से की गई कड़ी मेहनत का सम्मान तक नहीं कर रहे। संजय दत्त ने अपनी पोस्ट में बताया कि निर्देशक करण मल्होत्रा उन सबसे मेहनती निर्देशकों में से एक है जिनके साथ उन्होंने अब तक काम किया है और इस वक्त जब करण मल्होत्रा बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो वो उनके साथ खड़े हैं। संजय दत्त ने आगे लिखा, मैं एक फिल्म निर्माता के रूप में और ज्यादातर एक इंसान के रूप में करण की तारीफ करता हूँ। वो अपने 4 दशकों के लंबे करियर में मेरे साथ काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों में से एक हैं। वहीं अपनी पोस्ट के अलावा संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मैंने हर तरीके का दौर देखा है मगर इससे बुरा दौर नहीं देखा जहां फिल्में देखे बिना ही नकार दी जा रही हैं। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक और सबसे बुरा वक्त है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सड़कों पर आ जाएंगे और सबका स्टारडम घर की 4 दीवारी में कैद होकर रह जाएगा, क्योंकि हम कलाकार फिल्मों की वजह से हैं। अगर फिल्में लगातार फ्लॉप होती रही तो फिल्में बनाना ही बंद करना पड़ेगा और इसी में समझदारी भी होगी। संजय दत्त ने आगे कहा, जो दर्शक हिंदी फिल्मों को नकार रहे हैं वही दर्शक साउथ सिनेमा को भर भर के प्यार दे रहे हैं, जो कि हिंदी जगत के लिए इशारा है कि हमारा दौर अब खत्म हो चुका है। संजय दत्त ने इस दौरान साल 2012 की फिल्म अग्निपथ का भी जिक्र किया जिसमें संजय दत्त ने कांचा चीना की भूमिका निभाई थी। संजय ने कहा, हमने अग्निपथ के साथ ऐसा किया जहां करण मल्होत्रा ने मुझे कांचा चीना का रोल दिया था। इस पर काम करना शानदार था और दर्शकों को हमारा प्रयोग बहुत पसंद आया था। अब उन्हें करण मल्होत्रा ने शमशेरा के साथ मुझ पर फिर से भरोसा किया और शुद्ध सिंह के रोल को जीवित किया, मगर इस बार उन्हें दर्शकों ने हमारी मेहनत को बिना देखे ही नकार दिया, जो कि किसी बुरे सपने से कम नहीं है।
संजय दत्त ने अपने इंटरव्यू में आखिर में कहा कि मुझे लगता है अब बॉलीवुड फिनिश लाइन के करीब पहुंच चुका है, इससे बुरा दौर और क्या हो सकता है। अब हिंदी जगत के लोगों को खुद को बदलना पड़ेगा, वरना बॉलीवुड को फिनिश होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो संजय दत्त वाकई में बेहद निराश हैं और बॉलीवुड को लेकर भी काफी कुछ कह रहे हैं। शमशेरा फ्लॉप होने से संजय दत्त को झटका लगा है और ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। तो आप संजय दत्त की बातों से कितना सहमत हैं? क्या सच में हिंदी फिल्मों का दौर अब खत्म हो चुका है? क्या वाकई में बॉलीवुड को फिल्में बनाना ही बंद कर देना चाहिए? आप भी संजू बाबा की बातों पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये तो सभी जानते हैं कि रत्ना पाठक शाह एक एक्ट्रेस होने के साथ ही अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की पत्नी हैं और उनके पति और बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह हमेशा ही अपने बयानों को लेकर किसी न किसी विवाद में फंसते रहते हैं और अब उसी लिस्ट में उनकी पत्नी रत्ना पाठक शाह का नाम भी जुड़ गया है। रत्ना पाठक ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी और उन्होंने करवा चौथ व्रत को अंधविश्वास और रूढ़िवादी बता दिया। यहाँ तक कि रत्ना पाठक ने जो महिलाएं व्रत रखती हैं उन महिलाओं को पागल तक कह दिया। रत्ना पाठक ने साफ साफ कहा कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं करवा चौथ जैसा व्रत रखती हैं, उपवास करती है, वो महिलाएं रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वासी हैं और पागल हैं। अब उनके इसी बयान पर सोशल मीडिया पर लोग बुरी तरह भड़क चुके हैं। पिंक विला को दिए अपने इंटरव्यू में रत्ना पाठक शाह से जब पूछा गया कि क्या वो अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं, तो इस पर उन्होंने पलट कर जवाब दिया, मैं क्या पागल हूँ जो मैं ऐसे व्रत करूँगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रत्ना पाठक ने कहा, ये आश्चर्य है कि पढ़ी लिखी महिलाएं भी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ जैसा व्रत रखती हैं। रत्ना ने आगे कहा, मैं ऐसी मूर्ख और पागल महिला नहीं हूँ, मुझे ऐसे ही व्रत रखने होते तो मैं किसी हिंदू से शादी कर लेती, लेकिन मुझे ऐसा पागलपन बर्दाश्त नहीं है। रत्ना की गंदी जुबान यहीं पर नहीं रुकी, आगे बोली, भारत में विधवा होना एक भयानक स्थिति है, महिलाएं सिर्फ इसी डर की वजह से करवा चौथ का व्रत करती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि हम 21वीं सदी में भी इस तरह के व्रत करते हैं। रत्ना पाठक ने कहा, ये सब ढकोसलेबाजी है कि व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ जाती है, ये हिंदू महिलाओं का बनाया हुआ ढोंग है जो कि पूरी तरह से गलत है, इसे बंद होना चाहिए। रत्ना पाठक ने यहाँ पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम एक बेहद रूढ़िवादी समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं को बेड़ियों में जकड़ने का काम किया जा रहा है। दुनिया के किसी भी कंजर्वेटिव समाज में देख लीजिए, महिलाएं सबसे पहले प्रभावित होती हैं। सऊदी अरब को ही देख लीजिए, क्या हम अपने देश को सऊदी अरब बनाना चाहते हैं? तो सीधे तौर पर रत्ना पाठक का कहने का मतलब है कि जो हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं और चांद निकलने का इंतजार करती हैं, वो महिलाएं देश को सऊदी अरब बनाने पे तुली हुई हैं, क्योंकि वो पागल हैं, ढकोसलेबाज हैं। यहाँ बता दें कि सोशल मीडिया पर रत्ना पाठक शाह को अपने इस इंटरव्यू और खासकर करवा चौथ पर की गई घिनौनी टिप्पणी पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि हिंदू समाज का हर व्यक्ति एक्ट्रेस के इस बयान से काफी नाराज है और गुस्से में भी है। सीधे तौर पर हिंदू महिलाएं जो कि करवा चौथ का व्रत करती हैं, वो रत्ना पाठक की नजर में पागल हैं, मूर्ख हैं।